के जो टाइप्स ऑफ प्लेजरिज्म में कौन कौन सी चीजें आ रही है। द मोस्ट वेल नोन एंड सैडली द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ प्लेजरिज्म इज द सिंपलेस्ट कॉपी। इफ यू कॉपी समवन एज वर्क एंड पुट योर नेम ऑन इट यू हैव प्लेजरिज्म। ऐसे बात किसी का कॉपी करोगे और अपने नाम से बताओगे कि ये मैंने किया हुआ है तो ये आप लोगों के प्लेजरिज्म में आ जाएगा। कॉपिंग एन एग्जांपल चिल्ड्रन आर टोटली इंसेंटिव टू देयर पेरेंट्स चाइनेस इट इज द रेयर चाइल्ड हु लेबल्स अ पेरेंट चाइल्ड। ऐसे बात इसको हम लोगों ने प्रॉपर साइड नहीं किया, ये देखें इस कोटेशन का ये लगा हुआ है तो हम साइड नहीं करेंगे ये चीज तो हमारी चीज क्या आ जाएगी कॉपी पेस्ट में आ जाएगी। तो उसके अलावा इसमें देखें प्रॉपर एक रेफरेंस दिया गया है तो ये रेफरेंस है इसके बाद से हम लोगों ने एक चीज कॉपी की हुई है। उसके बाद कॉपिंग एन एग्जांपल में दिस वन इज प्रीटी स्ट्रेट फॉरवर्ड इफ अ राइटर कॉपीज वर्ड फॉर वर्ड द टेक्स्ट फ्रॉम डॉक्टर सैम ब्रॉड बुक एंड डज नॉट एक्नॉलेज इन एनी वे दैट इट वाज डॉक्टर सैम ब्रॉड वर्क द राइटर हैज कमिटेड प्लैजरिज्म। वो एक मतलब आप लोगों को बता सकता है कि ये प्लेजरिज्म है। टाइप्स पैच वर्क प्लेजरिज्म द सेकंड काइंड ऑफ प्लेजरिज्म इज सिमिलर टू कॉपिंग एंड इज परहैप्स द सेकंड मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ प्लेजरिज्म पैच वर्क प्लेजरिज्म। दिस अकर्स व्हेन द प्लेजराइजर बोरोस द फ्रेजेस एंड स्टोर फ्रॉम द ओरिजिनल सोर्स एंड वेव देम इनटू इट्स on writing. उसके बाद आप लोग की चीज आ रहे हैं without putting the phrases importing the marks or citing the author. अगर किसी चीज को हम लोगों ने properly cite नहीं करेंगे या उसको नहीं बताएंगे तो ये आप लोगों का गलत हो जाएगा। Patchwork an example again example लिखा हुआ which recorded to children they are totally insensitive to their parents' status. Rare is the child who level or a parent child. It is easy to understand this is a sense that parents are in position. अब देखें कुछ चीजें आपने लिखी है कुछ ये एक कॉपी पेस्ट में आप लोगों की चीजें आ रही है और विदाउट एक citation है कोई citation वगैरह दी नहीं। citation देने के बाद भी इसको अपनी own wording में बताना, ये नहीं कि आप लोगों ने citation दे दी तो बस ये आपका काम हो दूसरे का काम आप लोगों ने बता दिया। मगर plagiarism से बचने के लिए आप लोगों ने दूसरे के काम को अपनी own wording में बताना लाजिम होता है। एक बार में एग्जांपल आ नाउ हैड द ऑथर ऑफ दिस पैसेज पुट द कलर्ड फ्रेजेस इन कोटेशन मार्क्स एंड एडेड अ साइटेशन आफ्टर द कोटेंस लाइक निम्बार्डो 62 द ऑथर वुड हैव बीन सेफ विदाउट द कोटेशन मार्क्स एंड द प्रॉपर साइटेशन द ऑथर हैज कमिटेड प्लैजरिज्म। अगर आप लोगों ने एक साइटेशन दे दी तो एक मतलब आप सेफ साइड पे हो तो आप लोगों ने बताई हुई है। टाइप्स ऑफ पैराफ्रेजिंग में आप लोगों ने द थर्ड टाइप ऑफ paraphrasing plagiarism is called paraphrasing plagiarism. This occurs when the plagiarizer paraphrases or summarizes another work without citing the source, even changing the word a little or using synonyms. जब आप यहाँ पे मेन पॉइंट आ रहे हैं, जब हम लोग एक synonym चेंज करते हैं जो एक प्रॉपर होता है या ना कुछ सिर्फ synonym हम चेंज करते जा रहे हैं और दूसरे के काम को बताते हैं तो ये भी आप लोगों का plagiarism में आउट होता है। But retaining the author's intention thoughts sentence structure and our style without citing the source is still considered plagiarism. थोड़ा बहुत आप लोगों ने चेंज किया तो वो आप लोगों ने बता दिया कि आप लोगों का काम है। अगर उसको साइट नहीं किया है तो दूसरे के काम को भी मतलब नकल के लिए भी अकल की जरूरत पड़ती है तो इसमें भी यही एक चीज है। Paraphrasing an example children are completely insensitive to their parents and they rarely level their parents as child. अब ये देखें एक चीज मतलब आप लोगों की लिखी हुई है तो इसको तरीके से किया गया है जो जैसे कि एग्जांपल में बताया नाउ है द ऑथर ऑफ द पैराग्राफ यूज्ड फुटनोट्स और पैरेंटिकल साइटेशन टू एक्नॉलेज द बोरोस वर्क ही और शी वुड हैव बीन इन द क्लियर हाउएवर सिंस द ऑथर्स एक्सेप्ट लाइक दीस आइडियाज आर हिज आर ओन एंड डज नॉट एक्नॉलेज द बोरोस इट्स प्लैजरिज्म। टाइप्स अनइंटेंशनल the fourth type of plagiarism is called unintentional plagiarism. It occurs when the writer incorrectly quotes and incorrectly cites a source they are using. How is this plagiarism if this author didn't mean to do it? कभी कभार ये unintentionally हम लोग एक काम को लेके जाते हैं तो उसमें प्रॉपर
properly citation नहीं की हुई थी. Types unintentional में provider has incorrectly quoted, incorrectly cited a source, it could be misconstructed as a dishonesty on the writer's part. Dishonest usage of another's work most often considered plagiarism. Therefore, the incorrect usage of another's work, whether it is intentional or not, could be taken for the real plagiarism. Also, we don't read minds. कभी कभार ये कैसे होता है कि हम किसी के दिमाग को पढ़ नहीं सकते. We don't know what you mean to do. मतलब जरूरी ये भी पता नहीं होता है कि हम लोग क्या करना चाहते हैं. Avoiding plagiarism is quite simple. The best method for avoiding it is to simply be honest. When you have used a source in your paper, give credit. That's why कुछ भी आप लोगों ने किया हुआ है तो उसको मतलब एक proper cite किया जाए कि हम लोगों ने इस जगह से ये चीजें देखी हुई है. Where it's you acknowledge the author of the original work you have used it. तो आप लोगों ने अपने original work में आप लोगों ने किसी का काम को acknowledge कर रहे हैं तो ये फलानी चीज हम लोगों ने यहाँ से copy की हुई है. Avoiding plagiarism and the way to avoid plagiarism is to use your own work as often as possible. Quoting and citing sources is usually required and inevitable when doing this. That's how you back up your own work. But using someone else's work excessively can be constructed as plagiarism. Another way to it is to quote and or cite your sources properly. कुछ ये भी होता है कि आप लोगों ने जो अपने रिसर्च पेपर में कुछ बचने के लिए आप लोगों ने यूज योर ओन वर्क एज ऑफन एज पॉसिबल. ज्यादा से ज्यादा कोशिश करें अपना काम बताएं. दूसरे को तो आपने बता दिया कि फलानी फलानी चीजें हैं कि बाकी ज्यादातर अपने काम को प्रेफर दें. प्रॉपर कोटेशन इन ऑर्डर टू प्रॉपरली कोट योर सोर्स यू शुड कंसल्ट the style manual that would be appropriate for the research. In most cases, your professor will tell you which style manual would be preferred. If your professor doesn't indicate which manual to use, be sure to ask. कभी कभार ये भी होता है कि अपनी चीजें जो भी आप लोगों ने जिस फॉर्मेट में लेनी है तो उससे रिलेटेड जो भी प्रोफेसर ने आप लोगों को कहा है उसने कहा है उसकी चीजें आप लोगों को देखनी है और उससे रिलेटेड वो टेम्पलेट लेना है. अगर टेम्पलेट नहीं है तो उसके गाइडलाइंस होंगे कि आप लोगों को किस तरीके से काम करना है अपना. द फॉलोइंग एग्जांपल्स आर फॉर्मेटेड इन एमएलए एपीए एंड शिकागो टोराबियन इज सिमिलर टू शिकागो फॉर्मेट्स. द टेक्स्ट इज टेकन फ्रॉम द पैसेज वी सॉ अर्लियर फ्रॉम द बर्डो. जो प्लैगियरिज्म और जो हम रेफरेंसेस बनाते हैं एमएलए एपीए हम लोग और एंड शिकागो कुछ टाइप सैंपल और रेफरेंसिंग करने के वो भी मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बता दूंगा. एमएलए कोटेशंस में आप लोगों के इनडायरेक्ट समन रिसर्च हियर नोट दैट चिल्ड्रन आर टोटली इनसेंसिटिव टू देयर पेरेंट्स एंड दैट्स एक रेफरेंस ये इस तरीके से आप लोग लिख सकते हैं इनडायरेक्ट में. जिम्बाब्वे नोट दैट चिल्ड्रन आर टोटली इनसेंसिटिव टू देयर पेरेंट्स एंड दैट्स अब 62 अब ये 62 आप लोगों ने बता दिया कि कैसे नंबर 62 पे आप लोगों का ये काम है. Paraphrasing, some researchers have observed that children seem unaware that their parents are considered bashful. The borrowers, अब ये एफपीआई शिकागो कोटेशन में अपन डायरेक्टर में सम रिसर्चर नोट दैट चिल्ड्रन आर टोटली इंसेंसिटिव टू देयर पेरेंट्स चाइनेस. अब यहाँ पे आप लोगों ने आधा का नाम लिख दिया फिर उसका ईयर पेज नंबर किस पे ये लिखा हुआ है वो आप लोगों ने यहाँ पे बता दिया. डायरेक्ट में जिम्बाब्वे उसके 1977 में आप लोगों ने बता दिया इसका ईयर. नोट दैट चिल्ड्रन आर टोटली इंसेंसिटिव टू देयर पेरेंट्स एंड दैट्स. अब पेज नंबर कौन से पे है आप लोगों के डायरेक्टली पैराफ्रेजिंग में आप लोगों ने सम रिसर्चर हैव ऑब्जर्व दैट चिल्ड्रन सीम ओब्लिवियस टू देयर पेरेंट्स बैकफुलनेस. जिम्बाब्वे 1977 पैराफ्रेजिंग जब आप लोग कर रहे हैं तो उसका आंसर का नाम दे दिया और आप लोगों ने ये थे उसकी ईयर बता दिया. उसके बाद आप लोगों की चीजें आ रही है कि प्रॉपर साइटेशन. इन ऑर्डर टू प्रॉपरली साइट योर सोर्सेज यू शुड आल्सो कंसल्ट द स्टाइल मैनुअल. जब आप लोगों ने प्रॉपरली साइटेशन करते हो तो अपने एक स्टाइल आप लोगों को प्रॉपरली पता होना चाहिए. दैट वुड बी
procured for the research. The following examples are formatted in MLA, Modern Language Association of America. ये एमएलए का एक फुल फॉर्म है. तो इसमें एफपीए क्या है, अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन. एंड शिकागो ट्रिब्यून इज सिमिलर टू शिकागो फॉर्मेट. द साइटेशन इज रिलेटेड टू द पैसेज वी सॉ अर्लियर फ्रॉम द बर्ड जो हमने बर्ड स्लाइड में देखा था. उसके बाद एमएलए साइटेशन में कुछ बुक की साइटेशन ये हैं. द बर्ड से ये इस तरीके से कुछ लिखा हुआ है. फिलिप डी साइनेंस वार्ड is it is what to do about it. एक मतलब है बुक का मतलब है कि साइनेस बुक का पूरा कंप्लीट है ऐसे नाम लिखा हुआ है. जैसे कि इसमें देखा जाए तो ये एक नाम है कंप्लीट और ये इसका मतलब ऑथर का नाम है. उसके बाद ये किस मतलब किस जगह पे ये एक लगा पब्लिश हुआ है, मास कैम्ब्रिज. फिर उसके बाद ये बुक का नाम आ रहा है 1977 में प्रिंट हो चुका है. ऐसे चैप्टर इन अ बुक इसमें जैसे कि स्पॉन्सन वनर अब एक ऑथर का नाम लिखा हुआ है. फिर इसमें एक प्रॉपरली उसको साइट किया गया है कि उसके नेम को फिर किस जगह पे कौन से उसका बुक का नाम या उसका जर्नल का नाम होगा. तो ऐसी बात है तो वो इसका नाम कम्प्लीट ये लिखा हुआ है. उसके बाद किस कौन सी जगह पे ये लगा हुआ है तो उस पे एक न्यूयॉर्क है और वर्ल्ड प्रेस में ये चीज से पब्लिश हो चुकी है. कौन से ईयर में कौन से दिन बेचे थे प्रिंट हो चुके हैं. तो ये एक साइटिंग के एक टाइप है. एमएलए साइटेशन में आप लोगों के एक ऑथर का नाम लिखा हुआ है. फिर कंप्लेक्सिंग नेशनलिज्म उसकी जो मतलब पूरा जो टॉपिक है उसके टॉपिक को एक प्रॉपरली साइट किया गया है और कोटेशन दी गई है. अब ये कोटेशन यहाँ से यहाँ तक मतलब एक ऑथर टाइटल है. उसके बाद अब ये किस जगह पे मतलब कौन से जर्नल वगैरह में लगा हुआ है तो ये उसका नाम लिखा हुआ है. फिर वॉल्यूम कितना है, 5/15 है और 0.1 मींस नंबर कौन सा है. फिर 1996 में आप उसका लगा हुआ है. उसके बाद उसके पेजेस नंबर ये 41-50 तक है प्रिंट हो चुका है. आर्टिकल फ्रॉम अ डेटाबेस का इसे अपलोड डेटाबेस से आर्टिकल देखते हो तो उसमें आप लोग बताते हो ऑथर का नाम जो भी है कंप्लीट उसके कोटेशन देखकर फिर आप लोगों ने अपना जो भी उसके नाम है. कोटेशन के अंदर हमेशा जो टाइटल आता है बुक का टाइटल हो या उसके क्या नाम है चैप्टर का टाइटल हो या उसके आर्टिकल का टाइटल हो फिर उसके कौन से जन्म में लगा हुआ है उसका नाम देते हैं हम लोग. फिर उसके वॉल्यूम नंबर क्या है, उसके इशू नंबर क्या है, फिर कौन से ईयर में लगा है, पेजेस नंबर क्या है और कौन सी डायरेक्टरी पे पड़ा हुआ है कौन से ईयर में. फिर उसके बाद एमएलए साइटेशन में आप लोगों की चीज है एंटायर वेबसाइट द प्योर्ड ऑल फैमिलीज ऑफ साइट द राइटिंग लैब एंड ऑल एट प्योर ड्यू एंड फॉर ड्यू ये मतलब साइट किया गया है. तो एमएलए साइटेशन में आप लोग इस तरीके से लिख सकते हो. पेजेस ऑन वेबसाइट अगर पेजेस ऑन वेबसाइट पे आप लोगों के हैं तो उसको साइट करना चाहते हो तो उसका टाइटल आप लोगों ने दे दिया कहाँ पे लगा हुआ है वो आप लोगों ने उसका बता दिया कि किस जगह पे लगा हुआ है. ये वेब है या रिट्रीव आप लोगों ने कहाँ से किया हुआ है वो आप लोग बता दो. कौन से ईयर का ये आर्टिकल लगा हुआ है वो भी आप लोग इस तरीके से बता सकते हो. उसके बाद बुक की साइटेशन आप लोगों ने बता दिया बर्ड ऑफ कीजिए 1977. अब यहाँ पे एक चैप्टर का पूरा मतलब नाम लिखा हुआ आर्टिकल का एक एपीए साइटेशन का. उसके बाद ये है कि कौन सी मतलब जगह पे ये पब्लिश हुआ है तो वो यहाँ पे उसका नाम लिखा हुआ है. उसके बाद ऐसे चैप्टर इन अ बुक में आप लोगों के किस तरीके से लिखा जाता है तो ये पूरा के पूरा उसका एक टेम्पलेट लिखा हुआ है कि किस तरीके से आप लोग बनाते हो. एपीए साइटेशन में आर्टिकल सेपरेट है ना आप लोगों के ये रिसर्चर का नाम है और उसके बाद उसके ईयर है टेक्निक्स ऑफ दी लिसनिंग ये उसका आर्टिकल का नाम है. और फिर किस जगह पे पब्लिश हुआ है कौन से जर्नल में पब्लिश हुआ है तो उसका नाम लिखा हुआ है. वॉल्यूम नंबर 15 है 30 उसका इशू नंबर है और 15 से और 5 से 13 तक उसके पेजेस हैं. एफपीए डज नॉट रिक्वायर दैट अ साइटेशन फॉर एन आर्टिकल इन अ डेटाबेस डॉक्यूमेंट दैट फैक्ट यू कैन साइट एन आर्टिकल you point in a database the same way you did cite a regular print article as in the example above.
प्रॉब्लम होते हैं, एग्जाम्पल अबोव में आप लोगों के दिखाई जा रहे हैं चीजें। एफपीओ साइटेशन में वेबसाइट का किस तरीके से लिखा जाता है, तो उसका अगर वेबसाइट पर किस ऑथर ने लिखा हुआ है या किस बंदे ने वो लिखा है, उसका नाम लिखेंगे, फिर उसकी ईयर लिखेंगे, फिर क्या है कहाँ से है, फिर आप उसकी मतलब प्रॉपर एड्रेस से आप लोग बता दो ये उसका टॉपिक से रिलेटेड है ये चीज़ें, फिर कौन से ईयर में लगा हुआ है, कौन सी तारीख पे ये पब्लिश हुआ है, फ्रॉम कौन सी वेबसाइट, तो वेबसाइट का आप लोग यहाँ पे लिखकर बताते हो। आइटम विदाउट ऑथर, अगर ऑथर का नाम नहीं है तो आप लोग उसका पूरा कंप्लीट आप लोग नाम बताओगे, फिर टॉपिक क्या है, फिर टेंथ एडिशन है 1993, सिंगल साइड प्रिंट पेज एम है मैरियम वेबस्टर जो किस पे पब्लिश हुआ है, कभी कभार ये बोलता है कुछ बुक्स या कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसका मतलब कोई ऑथर नहीं होता, तो ये आप लोगों का कंप्लीट मतलब एक रिसर्च का जो फॉर्मेट था किस तरीके से हम लोग देते हैं, अगर फंड किस तरीके से करते हैं, कौन कौन सी चीज़ें हमें क्या क्या हम लोग परफॉर्म करते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम लोग पढ़ेंगे कि हम लोग अगर कम वक्त में हम लोग प्रॉपर साइटेशन से थोड़े पर साइटेशन का फॉर्मेट किस तरीके से हम लोग देखेंगे।